लद्दाख के फियांग में चल रही 2023 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में पहला सेमीफाइनल यूटी लद्दाख बनाम हिमाचल के बीच हुआ, जिसमें यूटी लद्दाख ने हिमाचल को 7-0 से हरा कर स्वर्ण पदक खेलने के लिए अपनी जगह बनाई। कल 8 फरवरी को हिमाचल वुमेन्स टीम कांस्य पदक के लिए दिल्ली वुमेन्स टीम के साथ खेलेगी। बता दें कि यूटी लद्दाख आइस हॉकी खेल को पिछले 20 सालों से खेलती आ रही है, जबकि हिमाचल ने इस खेल में कदम रखे महज 4 साल ही हुए हैं। इतने कम समय में हिमाचल ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 में तेलंगाना, दिल्ली और हरियाणा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। प्रदर्शन की बात की जाए तो हिमाचल की नन्ही सी बिटिया कुंगा यंग चेन ने यूटी लद्दाख इंडिया की गोलकीपर को गोल कर हिमाचल को दिल्ली से 1-0 से जीत दिलाई। वहीं आज के मैच में हिमाचल पिनघाटी की महिला खिलाड़ी भूमि ने यूटी लद्दाख के 30 से अधिक गोल करने में नाकाम किया। हिमाचल प्रदेश के आइस हॉकी कोच अमित बेलवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लड़कियों ने जी जान से खेला। आज जो बेटियां हिमाचल के लिए नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप खेल रही है, वो सारी बेटियां जिला लाहौल स्पीति से हैं। वहीं मैच समाप्त होने के पश्चात आइस हॉकी एसोसिएशन लाहौल स्पीति के सदस्यों ने भी महिला खिलाड़ियों की खूब प्रशंसा की। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए लाहौल स्पीति से तेंजिन वंग्याल रुम्भा की रिपोर्ट। लद्दाख के फियांग में चल रही 2023 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में पहला सेमीफाइनल यूटी लद्दाख बनाम हिमाचल के बीच हुआ, जिसमें यूटी लद्दाख ने हिमाचल को 7-0 से हरा कर स्वर्ण पदक खेलने के लिए अपनी जगह बनाई। कल 8 फरवरी को हिमाचल वुमेन्स टीम कांस्य पदक के लिए दिल्ली वुमेन्स टीम के साथ खेलेगी। बता दें कि यूटी लद्दाख आइस हॉकी खेल को पिछले 20 सालों से खेलती आ रही है, जबकि हिमाचल ने इस खेल में कदम रखे महज 4 साल ही हुए हैं। इतने कम समय में हिमाचल ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 में तेलंगाना, दिल्ली और हरियाणा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। प्रदर्शन की बात की जाए तो हिमाचल की नन्ही सी बिटिया कुंगा यंग चेन ने यूटी लद्दाख इंडिया की गोलकीपर को गोल कर हिमाचल को दिल्ली से 1-0 से जीत दिलाई। वहीं आज के मैच में हिमाचल पिनघाटी की महिला खिलाड़ी भूमि ने यूटी लद्दाख के 30 से अधिक गोल करने में नाकाम किया। हिमाचल प्रदेश के आइस हॉकी कोच अमित बेलवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लड़कियों ने जी जान से खेला। आज जो बेटियां हिमाचल के लिए नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप खेल रही है, वो सारी बेटियां जिला लाहौल स्पीति से हैं। वहीं मैच समाप्त होने के पश्चात आइस हॉकी एसोसिएशन लाहौल स्पीति के सदस्यों ने भी महिला खिलाड़ियों की खूब प्रशंसा की। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए लाहौल स्पीति से तेंजिन वंग्याल रुम्भा की रिपोर्ट।